अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैमरा टेस्ट करेंगे रेडमी नोट 10 और वीवो S1 के दरमियान में। देखेंगे कितना डिफरेंट हमें दोनों कैमरों में देखने को मिलता है। हालांकि कैमरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन चलें पहले सबसे पहले पिक्चरों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडमी नोट 10 में आपको काफ़ी प्यारे कलर देखने को मिलते हैं, वीवो S1 में आपको ओवर कलर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिटेल हमें रेडमी नोट 10 में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, वीवो S1 में आपको कलर प्यारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वैसे ही कुछ हमें देखने को मिला है कि Redmi Note 10 में डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा आपको कैमरा कैप्चर करता हुआ देखने को मिलता है Vivo S1 के कंपेयर में। अगली पिक्चर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ हमें Vivo S1 देखने को मिलता है। अगर लाइटिंग देखी जाए तो बहुत ज़्यादा ओवर कर देता है, तो लाइटिंग का प्रॉब्लम आपको Redmi Note 10 में नहीं देखने को मिलता। जैसे ही आप नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर Vivo S1 ने काफ़ी डिटेल को अच्छी तरह कैप्चर किया है और Redmi Note 10 में आपको डिटेल थोड़ी सी कम देखने को मिली है। नेक्स्ट पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर Redmi Note 10 फिर आगे रहा Vivo S1 के कंपेयर में, तो आपको Vivo S1 में काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिलता है कैमरे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी क्वालिटी का काफ़ी डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। तो आप जितनी पिक्चरें यहाँ पर देखेंगे आपको Redmi Note 10 में डिटेल काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, Vivo S1 में आपको कलर थोड़े से अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर इस पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर Redmi Note 10 में आपको कलर प्यारे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आएँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि Vivo S1 स्ट्रगल करता है काफ़ी जगह पर। अगर लाइटिंग लो भी हो, लाइटिंग अच्छी भी हो, फिर भी स्ट्रगल ज़रूर करता है, क्योंकि यहाँ पर 16 मेगा का आपको बैक साइड में कैमरा देखने को मिलता है और Redmi Note 10 में आपको 48 मेगा का कैमरा देखने को मिलता है। तो इस पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर Vivo S1 ने काफ़ी डिटेल को अच्छी तरह कैप्चर किया है। तो नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आएँ तो आप स्काई का कलर देख लें, आपको Redmi Note 10 में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है Vivo S1 के कंपेयर में। कैमरों में आपको Redmi Note 10 ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर इस पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Vivo S1 ने डिटेल को काफ़ी अच्छी तरह से कैप्चर किया है, Redmi Note 10 में आपको कलर काफ़ी कम देखने को मिले इस पिक्चर में। अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो Redmi Note 10 में आपको 13 मेगा का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, Vivo S1 में आपको 32 मेगा का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर डिटेल की बात की जाए तो डिटेल आपको Redmi Note 10 में काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगर 13 मेगा के हिसाब से देखा जाए तो आपको पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी Redmi Note 10 फ्राम करता है। यहाँ पर नेक्स्ट सेल्फी की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि Redmi Note 10 में आपको डिटेल काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, Vivo S1 आपको ओवर स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिलता है, यहाँ पर वाइट टोन ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आपके साथ मज़ीद पिक्चरें मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में भी आपको काफ़ी डिटेल देखने को मिलती है Redmi Note 10 में, और Vivo S1 में आपको कलर काफ़ी प्यारे देखने को मिलते हैं लेकिन डिटेल काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर घास की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि Redmi Note 10 में आपको घास के कलर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, अगर Vivo S1 में देखा जाए तो कलर काफ़ी आपको कम देखने को मिलते हैं। तो अगली पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप कोई फ़ोन बाय करना चाहते हैं 30,000 रुपये की प्राइस में तो Redmi Note 10 की तरफ आप जा सकते हैं। आपको कैमरे अच्छे देखने को मिलते हैं, डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलता है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। बाद आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी से कीजिएगा कि आपको दोनों में से कौन सा कैमरा ज़्यादा अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।